Today I'm gonna share with you all my cooking experience of get cooking meal kits. सबसे पहले कबीर कबीर से हेलो. सो दिस इज माई बेबी ऑन बोर्ड, बेबी इन द किचन वेल मामाज कुकिंग. आई ऑर्डर्ड कुंग पो चिकन फॉर टू पर्सन सर्विंग्स एंड एग फ्राइड राइस फॉर टू पर्सन. ये मैंने कोई रात को 3 से 4 बजे ऑनलाइन ऑर्डर किया था और सुबह इस पे 11 बजे का टाइम लिखा हुआ है. मेरे पास तकरीबन 12, 12:30, 1 बजे तक ही आया था. नहीं, आफ्टर 1, 1 से 2 बजे के दरमियान आया. नाउ द अमाउंट इज़ प्रिटी मच रीज़नेबल, क्योंकि अगर यही चीज़ें हम कहीं बाय खाने जाएंगे तो इट विल बी प्रिटी एक्सपेंसिव. लेकिन मुझे यहाँ 2 कुंग फू चिकन जो है वो 490 रुपीज़ की और 300 रुपीज़ की 2 एग फ्राइड राइस मिले हैं. मीन्स दो लोग जो हैं वो खा लेंगे 790 रुपये में, 790 रुपीज़, विच इज़ अ गुड गुड अमाउंट. तो इट्स अ टोटल ऑफ 790 रुपीज़, जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं है. द GST इज़ 59 रुपीज़. और जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी दैट इज़ द डिलीवरी चार्जेस 300 रुपीज़. 300 रुपीज़ में मैं कोई एक मेन कोर्स और ऑर्डर कर सकती थी. द प्रॉब्लम इज़, चलो ये भी ठीक है, डजंट मैटर अगर 300 रुपीज़ चार्जेस हैं तो हैं, लेकिन जब हमने वेबसाइट पे ऑर्डर किया तो इट वाज डिलीवरी चार्जेस वर इंक्लूडेड 100 रुपीज़. लेकिन जब कॉल दोबारा सुबह कॉल की गई देन इट वाज टोल्ड के जी 300 रुपये होंगे, क्योंकि बहरिया टाउन बहुत दूर है. ट्रस्ट मी, बहरिया टाउन इज़ इन लाहौर. बिकॉज आई एम फेड अप ऑफ द थिंग लिसनिंग टू द बैरियर टाउन रेजिडेंट्स के वेन दे आर गोइंग कहीं इधर उधर. दिस इट हम शहर जा रहे हैं, लाइक लाहौर जा रहे हैं. सो बैरियर टाउन इज इट्स सेल्फ इन लाहौर, ये मान लें. और ये 300 की जगह हमें भी लोगों की तरह 100 रुपये की डिलीवरी दें. और बेबी जो है वो मेरी बातें सुन के बोर हो गया है. अच्छा जी, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये हम 31 मई तक खा सकते हैं और आज 30th में है. इट्स 1 डे इसकी रेफ्रिजरेशन टाइम, एक दिन है, आप एक दिन के लिए इसको रख सकते हैं. अच्छा जी, ना आई एम गोना अनपैक दीज. मैंने ये चीज़ों को पहले दफ़ा ऑर्डर की हैं इसलिए मुझे नहीं पता कि ये क्या और कैसे है. और डोंट माइंड, मेरा किचन जो है वो थोड़ा सा छोटा है तो ये हो सकता है कि दिस इज़ द रेसिपी आई बिलीव. किस चीज़ को कितनी देर के लिए पकाना है ये भी लिखा है, 30 सेकेंड्स, 2 मिनट्स. तो ये शेल्फ थोड़ी सी अंधेरे में है. आ वेजिटेबल्स, दिस इज वन वेजिटेबल, कैरेट. वाओ, ओह वाओ, दिस इज नाइस. ये हमारे चावल हैं और ये हैं अंडे. ये भी उन्होंने तोड़ के दिए कि हमें अंडे तोड़ लेना पड़े. आई थिंक दीज पीपल नीड टू नो दैट नो टू प्लास्टिक यूज. ये अब चावल हैं, बट अगर कोई बहुत खाता पीता इंसान होगा तो आई थिंक उसके लिए ये 1 पर्सन सर्विंग ही है. नहीं, 1 तो नहीं है, वैसे थोड़ी ज़्यादा ही है. लेट्स कुक देन सी कैसा बनता है. ये अब मैंने खोल लिया है, अगर मैं दूसरा भी अभी खोल लूँ तो आसानी हो जाएगी, ताकि मैं दोनों चीज़ें इकट्ठी पका लूँ और ये ना कोई ठंडी हो रही है और एक गर्म हो रही है. इसकी रेसिपी है, दिस इज द सॉस मिक्स, इट्स द सॉटे मिक्स, गार्निशिंग मिक्स, दिस इज एशियन मैरिनेटेड चिकन क्यूब्स, दीज आर द वेजिटेबल्स. अच्छा, मेरा ख्याल है कि सिर्फ सर्विंग ये भेजते ही दो दो बंदों की है, क्योंकि जब मैं आई डिडंट गो फॉर सिंगल सर्विंग, मैंने खुद भी नहीं इसको चेक किया था. लेकिन जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो 2 पर्सन सर्विंग वॉज ऑलरेडी चेक हो गया, तो शायद कोई लिमिट होती हो या मे बी नॉट, क्योंकि जब दिस इज द कॉर्न स्टार्च, मेरा ख्याल है इसमें पानी में घोलेंगे. अभी मिक्स ना हो चीज़ें, ये हमारी दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पड़ी हैं. और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई स्टार्ट कुकिंग इट. लेट्स मूव द कैमरा टू द अदर साइड. सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट द कुकिंग. बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी गुड वीडियोग्राफर, तो मैंने कैमरे पे लगा दिया स्टैंड पे अपने कैमरे को. और बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एडिटिंग और एनीथिंग, तो
इसलिए मैं दोनों रेसिपीज जो हैं वो एक साथ बना के अपनी मैं फास्ट फूड में नहीं लगा सकती। सबसे पहले मैं राइस बना रही हूँ एंड एज इट सेज दो लोगों के लिए है, तो दो चम्मच उसके अंदर ऑयल डालें, उसके बाद एग बॉक्स उसको खोलें और two things we need for this is a little bit of oil and two pans. इसमें अंडे डाल लेंगे, need to make them scrambled. And the background music in my video is saying कि मम्मा आई एम बोर्ड. यस 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 कबीर, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए मेरे बेटे को? यहाँ पे हमारा अंडा बन रहा है और दूसरे पैन के ऊपर हम बाकी चीज बनाएंगे. अब उन्होंने कहा जी एक बड़ा पैन ले लीजिए और उसके अंदर इनको प्लेट में डालना है. अंडा जब हमारा तैयार हो जाएगा, बड़े पैन के अंदर हमने 2 tablespoons ऑफ कुकिंग ऑयल सेम जैसे हमने इसमें डाला था. आग ऑन कर लें, ठीक. उसके बाद हमने उसके अंदर क्या डालना है, फोर्टी मिक्स ये हमने डालना है और इसको हमने अप्रॉक्सीमेट 30 seconds के लिए मिक्स करना है. मुझे छोटी स्पून चाहिए होगी क्योंकि थोड़ी छोटी सी छोटी छोटी चीज़ है एंड आई डोंट नीड टू वेस्ट एनी ऑफ दिस. आई कैन स्मेल गार्लिक. I don't want to waste any of it. Yes, I'm sure. ये 2% से कम के सारे देते हैं. You see, अगर ये दो लोगों के लिए इतना सा है, if it was one, तो क्या होता है? सिर्फ उनके बर्तन ही आते हैं बाद में. Scramble egg is ready. मैं इसको थोड़ा सा और पकाना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे जरा डार्क अच्छा लग रहा है. नहीं जी, ये चूल्हा बंद कर रही हूँ मैं. ओह व्हाई डू यू हैव टू रिमूव द बर्नर, व्हाट इज दैट? यस, इसको मैं यहाँ ला रही हूँ, इसको मैं बंद कर रही हूँ. अच्छा जी, एक गलती निकल आई है विच आई वॉज नॉट इन अ मूड ऑफ, क्योंकि मुझे बहुत मज़े का लग रहा था ये सारा कुछ. सबसे पहले तो मैं इसके अंदर ये डाल देती हूँ. एज दिस सेड इट इज़ क्लीन वॉश्ड और हाइजीनिक, तो मैं इसको धो नहीं रही. वेजिटेबल है, सिर्फ गाजर है. मैंने कहा है इसको डाल के 30 सेकंड के लिए पकाएं और उसके बाद उसके अंदर एग डाल देंगे. अच्छा जी, जो गलती निकली थी वो ये थी कि इट्स ए सोते मिक्स, वो मैंने डाल दिया सबसे पहले. और अब मैं आइडियली, क्योंकि मैं थोड़ी सी खुद भी पकाती रहती हूँ एंड आई हैव एन आइडिया कि ये एक सॉस है, तो इस पे भी इन्होंने सोते मिक्स की स्लिप गलती से लगा दी है. तो जो कोई इंसान बिल्कुल ही इग्नोरेंट है खाने के पकाने के बारे में और पहली दफ़ा पका रहा है, तो वो ये भी शायद शुरू में ही डाल देगा, जिससे ये पूरी की पूरी सूख जाएगी और चावल में कोई फ्लेवर नहीं आएगा. आएगा लेकिन बहुत यू नो कहीं कहीं बहुत टेंस होगा, कहीं होगा ही. तो अब ये हमने डाल लिया, इसके बाद उन्होंने कहा है इसके अंदर 30 seconds के बाद अंडा डालें. अंडा भी डाल दिया. अब इसके बाद उन्होंने कहा है चावल डालें, तो हम अपने राइस भी इसमें डालने लगे हैं. और ये मेरा एक बेटा तो बोल रहा था, दूसरा भी आ गया. चावल पके हुए हैं, एज यू कैन सी इन माय हैंड पके हुए हैं. यस, थोड़े पके हुए हैं, थोड़े से नहीं पके हुए, जो नहीं पके हुए पका रही हूँ. नाउ दिस साइड अप्रोक्सीमेटली फॉर 30 seconds, 30 seconds के लिए इसको पकाना है. इसके बाद हमने इसके अंदर हमारी सॉस डालनी है, जिसके ऊपर सॉस नहीं लिखा हुआ, ट्रस्ट सॉस नहीं लिखा हुआ.
30 सेकंड्स के लिए, क्योंकि मेरे राइस जो है ना वो फ्रिज में पड़े हुए थे, सुबह मंगवाए थे तो वैसे ठंडे हो गए. सो आई विल लाइक गिव इट 2-3-4 मिनट्स. लुकिंग नाइस, इट्स वेरी लुकिंग नाइस. आई विल देयर वाज समथिंग ग्रीन ऑन इट. यस, वी विल हैव ग्रीन बट इन द एंड. मम्मा मैंने डाला नो जानो एज द गार्निशिंग. ये आई एम एडिंग अप द सॉस. सी इफ आई वाज अ गुड फोटोग्राफर, आई न्यू हाउ टू मेक वीडियोस, तो मैं दूसरे हाथ से डालती था कि मेरे ये हाथ की मेहंदी का गंदा सा डिज़ाइन नज़र ना आता. जी आप बोलें, मुझे बोलें. अगर आपकी वीडियो को कोई लाइक करेगा तो कमेंट और सब्सक्राइब करेगा ना. यू डोंट मेक गुड वीडियोस. ये तो है 22 पर जो है मेरे. ओह हो, सो इफ यू मेक गुड वीडियोस. लड़की के तो 5 लाख से भी ज्यादा. कौन लड़की? उस लड़की की जो हम वीडियो देखते हैं. बिकॉज़ शी मेक गुड वीडियोस, शी इज अ गुड एक्ट्रेस, शी परफॉर्म वेरी गुड. हम भी देखते हैं ना, बिकॉज़ वी वांट टू सी दैट. अच्छा जी, ये लाइक 2 मिनट्स एंड देन इट्स रेडी. इसको मैं बर्तन में निकाल लूँगी और इसके ऊपर दिस इज द गार्निश मिक्स ये डाल दूँगी. मैं निकालने से पहले ही डाल के मिक्स कर लूँगी और फिर दूसरी जो चीज़ है हमारी वो पकाते हैं. क्या चीज़ है? बेबी गो. अच्छा जी, ये इन्होंने हमें 2 ही भेजी हैं. This is Asian marinated chicken cubes and I am following the recipe completely. उसमें लिखा हुआ है कि जब आप ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब आपने उसमें चिकन क्यूब डालने हैं एंड वन वन एट अ टाइम. यूं ड्रम करके नहीं टोसना, बल्कि यू आर नॉट गोना ड्रॉप इट लाइक दैट, बल्कि वन पीस एट अ टाइम. ओके, ये द चिकन इज ऑलमोस्ट कॉल्ड. As I said, 3-5 minutes. इतनी देर में हो गया. Now I'm adding the vegetables. अब इनको हमने 30 seconds mix करना है. Chicken and vegetables मेरी fry हो गई हैं. अब मैंने एक और container लेना है और उसके अंदर मैंने डालना है हमारा this sauté mix. और इसके ऊपर सही label है. Oh my god. It's gonna be spicy. And I'm gonna love it. So, what next? ये भी 30 सेकेंड के लिए मेरा ख्याल है. Yes, approximately 30 seconds. और इसके बाद जैसे ही ये गर्म होगा तो मैं इसके अंदर 1-2 मिनट के लिए सॉस मिक्स डालूंगी. This is the sauce mix. I'm gonna unwrap it. जैसे ही इसके अंदर बबल आए हैं तो हम इसके अंदर हमारी सॉस मिक्स डालेंगे एंड आई सजेस्ट इसको मिक्स करके डालेंगे. अगेन फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड्स हमने इसको पकाना है. जब इसके अंदर बबल आने लग जाएंगे तो फिर हम इसको और हमारे चिकन और वेजिटेबल्स को मिक्स कर देंगे. ये Now as my sauce has started boiling, I'm gonna add the sauce with the vegetables and chicken. There we go. इसको उसमें डालने या उसको इसमें डालने एक ही बात है, क्योंकि मेरा ये वाला बर्तन द अदर पैन विच जिसके अंदर चिकन था वो बड़ा था, इसलिए मैं उसमें डालूंगी. आई एम नॉट गोना वेस्ट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ द स्पाइस. इट्स रियली गोना बी कुक फॉर चिकन. अच्छा जी, What next? Yes, my baby is out. That's why there is no noise. Now, after 30 seconds, what I need to do is I need to add 1 tablespoon of cornstarch, water into the cornstarch. This is the cornstarch, and I'm added water to it. And I'm mixing it. Can for 30 seconds. I'm just loving these small plastic pots. These are so cute. Yeah,
10 seconds already. I'll give it 30 seconds. As mentioned, then I'm gonna add it into the dish out and put on the garnishing. Let's see the final picture. This is so perfect and good looking. Oh my god, amazing. It tastes the best and they have mentioned everything, every single second jitna lagega isko pakane ke liye. Only thing they forget to mention is ke in boxes ko unwrap karne mein jo time lagta hai, that is time consuming. Otherwise the dish, the taste, oh my god, it's perfect.